जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम यहाँ की पार्किंग से, जो कि है मानसरोवर का सिटी पार्क, जो कि शुरुआत हो जाती है यहीं से। गाड़ी पार्क करने के बाद में हम लेते हैं अंदर एंट्री, और आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं। तो चलिए, गाड़ी खड़ी करने के बाद में हम चलते हैं पार्क के अंदर, देखते हैं एंट्रेंस कैसा है। पार्क का एंट्रेंस बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। आप यहां पर काफ़ी देर रुकने वाले हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहां के टाइमिंग की बात करें तो पार्क सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। चलिए दिखाते हैं आपको पार्क का एंट्रेंस। Oh, by the way, have you met Chucky yet? Yo, what's up, bro? यह है दोस्तों जयपुर के मानसरोवर का सिटी पार्क, जिसका उद्घाटन हुए लगभग 10 से 12 दिन हुए हैं अभी। चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं और क्या क्या देखने को हमें मिलता है। दोस्तों यह है जयपुर का दूसरा सबसे बड़ा पार्क, पहले नंबर पर अभी भी सेंट्रल पार्क ही आता है, और दूसरे नंबर पर आएगा हमारा मानसरोवर का सिटी पार्क। इसका 80% काम लगभग पूरा हो चुका है, 20% काम अभी भी यहां पर बाकी है। वैसे तो जयपुर की खूबसूरती की चर्चा देश विदेश में है, लेकिन उसी पर 4 चांद लगाने के लिए तैयार है हमारा सिटी पार्क मानसरोवर। By the way, have you met Chucky yet? Yo, what's up, bro? पेड़ों को ना काटें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उसी का संदेश देता है ये ट्री स्टैचू। ऐसे कई सारे स्टैचू आपको पार्क में देखने को मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर।
Annabelle, and welcome to my tea party. Spooky? लगभग 3 किलोमीटर का इसका रनवे बनाया गया है और पार्क के पीछे की तरफ का काम अभी भी चालू है, जो कि सेकंड फेज है इसका। सेकंड फेज का काम पूरा होने के बाद में पार्क की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पर शाम को आते हैं तो आपको फाउंटेन्स भी चालू मिलेंगे और लाइटिंग का नज़ारा भी बहुत ही शानदार होगा। चलिए देखते हैं आगे आने वाले और भी कई स्टैचू। Chucky yet? Yo, what's up, bro? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अब घर की ओर।